और अब बात करते हैं हरियाणा के एमबीबीएस छात्रों के लिए बनाई गई बॉन्ड पॉलिसी की। एमबीबीएस छात्रों को सरकार का न्योता आखिर में मिल ही गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है ये उन एमबीबीएस छात्रों के लिए जो पिछले 25 दिन से 24 दिन से तो धरना जारी है, आज 25वां दिन है, तो पिछले 25 दिन से ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार कह रहे थे कि सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार की तरफ से न्योता मिल गया है, मुख्यमंत्री ने बुला लिया है। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में जो ये आंदोलन रोहतक में चल रहा है, करनाल में चल रहा है, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में चल रहा है, इसी को लेकर अब बातचीत करने को तैयार हो गई है सरकार। एमबीबीएस छात्रों और प्रबंधन में टकराव भी शुरू हो गया। एक बड़ी अपडेट मेरे सहयोगी राज टाकिया ने दी थी कि 24 घंटे में हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम भी छात्रों को दिया है, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है इन छात्रों को। मेरे सहयोगी राज टाकिया मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। राज, हमने पिछली बार आपसे अपडेट ली थी कि 24 घंटे का अल्टीमेटम छात्रों को मिला है, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी मिली है कि हॉस्टल खाली कर दो या तो फिर धरना प्रदर्शन खत्म कर दो। इसी बीच एक और अपडेट ये कि मुख्यमंत्री ने बुला लिया है इन छात्रों को बातचीत के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात कर ली जाए एमबीबीएस छात्रों की, तो एमबीबीएस छात्र जो है पूरे हरियाणा में 25 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब जो है शुक्ल इनको नोटिस जारी किया गया था पीजीए प्रशासन की तरफ से कि या तो आंदोलन खत्म कर दिया जाए या फिर ये हॉस्टल खाली करें, नहीं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में छात्रों ने पार्क के अंदर ही टेंट लगा दिए हैं और अब जो है आगे की रणनीति तय की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है और 15 छात्र जो है बातचीत के लिए कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि बातचीत कितनी सकारात्मक रहती है और क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। राज, आप तो खुद रोहतक में मौजूद हैं, पीजीआई के छात्रों का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है? 24 दिन से चाह रहे थे कि सरकार सुन ले, अब सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, खुश हैं छात्र? जिस तरीके से बात कर ली जाए तो छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि अगर अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने गया है, अगर बातचीत सकारात्मक रही तो आंदोलन खत्म होगा और बॉन्ड पॉलिसी हमारा मेन पर्पज इनका यही है कि बॉन्ड पॉलिसी को रद्द किया जाए। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो इन लोगों की पहले से ही रणनीति तय है, ये अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। अब जो है ट्रोमा सेंटर व इमरजेंसी सेवाएं भी ये बाधित करने की बात कर रही है। लेकिन राज, ये तो तब की बात है जब सरकार सुन नहीं रही थी, अब तो सरकार ने बुला लिया है, न्योता भेज दिया है, मुख्यमंत्री बात करने को तैयार हो गए, तो अब भी क्या 48 घंटों वाला अल्टीमेटम जारी है? क्या इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर देंगे, ओपीडी नहीं चलाएंगे, रेसिडेंट डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे, ये सब ये माहौल अब भी है क्या? मरीज अब भी परेशान हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो एक तरफ बातचीत का दौर शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा और जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया था, ओपीडी बंद कर दी गई थी, वार्ड सेवाएं बंद कर दी गई थी, इलेक्टिव सर्जरी जो होनी थी वो बंद कर दी गई थी, अब डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आज जो बातचीत अगर पॉजिटिव रहती है तो आंदोलन खत्म होगा, अन्यथा जो है इसके बाद 48 घंटों के बाद जो है इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी, उसके बाद जो है ट्रोमा सेंटर भी बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में हरियाणा का एकमात्र पीजीआई है, वहां पर मरीजों को काफी दिक्कतें होने वाली है। लगभग ओपीडी की अगर बात कर ली जाए तो 10,000 के आसपास पेशेंट इलाज करवाने के लिए रोहतक पीजीआई आते हैं, वहीं दूसरी तरफ वार्ड की बात कर ली जाए तो वार्ड में लगभग 8,000 से 9,000 मरीज है, उनको काफी दिक्कतें होने वाली है। बिल्कुल राज, हम तो उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत सकारात्मक हो, जल्द ही सरकार बातचीत सुने इनकी और पूरा मामला जो है वो सुलझे, क्योंकि एट दी एंड परेशान मरीज हो रहे हैं, आम जनता हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एमबीबीएस छात्रों और प्रबंधन के बीच जो टकराव है वो तो जारी है, 24 घंटे में हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है रोहतक पीजीआई में। लेकिन इस बीच एक जो पॉजिटिव खबर है, एक जो सकारात्मक खबर है, वो ये कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार की ओर से न्योता आ गया है इन एमबीबीएस छात्रों को कि आइए बातचीत कीजिए। अब उम्मीद यही कि अगर ये बातचीत सकारात्मक होती है, सरकार और छात्रों के बीच मांगों पर सहमति बन जाती है, तो जल्द ही ये जो धरना प्रदर्शन पिछले 25 दिनों से जारी है ये खत्म होगा। जो अभी मेरे सहयोगी राज बता रहे थे कि 7 से 8 मरीज भर्ती हैं, तो आप सोचिए कि 7 से 8 हजार मरीजों को जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी।
कल एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर सामने आई थी रोहतक से। रोहतक पीजीआई में एक माँ अपने बच्चे का बुखार चेक कर रही थी, बार बार देख रही थी कि बेटा सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। बहुत ही इमोशनल कर देने वाली वो तस्वीर थी, और ये दिखाता है कि मरीज कितने परेशान है इस धरना प्रदर्शन की वजह से, और सरकार अब संज्ञान ले रही है। हरियाणा में पिछले 25 दिनों से एमबीबीएस छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि बॉन्ड पॉलिसी रद्द होनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री ने 15 सदस्यों को बातचीत के लिए बुलाया है। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज 26 दिन हो गए हैं हड़ताल चलते हुए, आप लोगों ने एमरजेंसी को छोड़ के बाकी सभी सेवाएँ बंद कर दी, आगे किस तरीके से रहने वाला है? पहली चीज़ तो जी, सेवाएं हमने बंद नहीं करी हैं, सेवाएं रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देने से मना किया है। हमने तो सिर्फ अपनी क्लासेस सस्पेंड करी थी और हम स्ट्राइक पे बैठे थे। रेजिडेंट